गजब हरियाणा और हरियाणा हलचल के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ आ जाए चौटाला का प्रोग्राम, हम कह रहे हैं कि आ जाए तो क्या यहाँ से CMO उसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। ये हमारी एक चेतावनी है, चेतावनी नहीं बल्कि ये तो छत्ती भाईचारा का एक साझा प्रोग्राम यहाँ जो इकट्ठा हुआ है इसको चेताने के लिए हुआ है। सरकार चाहती है कि जनता को गुमराह करके यहाँ पर JJP और BJP की एंट्री हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि अगले गेट से के तो दूर की बात, हम इसको बैकडोर से भी नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है, इरादा है और हम ये चाहते हैं करनाल वाली दूसरी घटना को यहाँ दोहरा जाए, हम नहीं दोहराना चाहते। वहाँ पे हमारा भाई, हमारा साथी शहीद हो गया है, उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये कहते हैं कि प्रशासन कह रहे हैं कि हमारे पे विश्वास करो, हम प्रशासन पे विश्वास नहीं करते। वहाँ पे सब डिविजन मैजिस्ट्रेट था जिसने ये नाके पे खड़े होकर कहा कि ये नाका लीक नहीं होना चाहिए, जो बंदा हमारे पास है उसका सिर फोड़ देना चाहिए। हम ये नहीं चाहते, हम यहाँ प्रशासन पे विश्वास नहीं करते, हम सरकार पे भी विश्वास नहीं करते, हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि हम डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, हमारा अनुशासन है। जो 9 महीने से हमारे 600 भाई किसान शहीद हो गए हैं, हम डिसिप्लिन के अंदर है। नहीं तो एक बच्चा मर जाने के बाद देश तड़प उठता है। हम चाहते हैं कि यह हमारा आंदोलन हम शांतिपूर्वक इस तीन कानून कानून को ख़त्म करके MSP के गारंटी कानून, और चाहता है कि PM हमारे कान में जून तक नहीं रेंग दी, और उसकी जून तो हम चलो उसका आगा हमारा पीछा है, चाहे वह 9 साल चले, 9 महीने चले, 10 महीने चले, हमें ऐसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम किसी से दबने झुकने वाले नहीं हैं, हम लीगल कार्रवाई के ऊपर खड़े हैं। चाहे प्रशासन हमारी बात को अच्छे लगे बुरी लगे, हमें कोई इसका मतलब नहीं है। हम नहीं प्रशासन से क्या, हम सरकार से भी नहीं झुकते हैं, ना हमने झुकने का कोई इस तरह का कोई रवैया तैयार, हमें कोई दंगा फसाद करने नहीं आए हैं। हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं और अपने हकों की लड़ाई के लिए हम कुर्बानी भी दे दें तो भी थोड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमसे क्या मांग करती होगी, ये करती होगी। कभी आंदोलन हुआ था 2020-21 में, उस आंदोलन के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने इतना लंबा संघर्ष किया ताकि आने वाली सरकार की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, फर्स्ट तो क्या हम बैक से भी नहीं आने देंगे और ये गलती ना करे, ये भी इस प्रशासन गलती ना करे कि किसानों को गुमराह करके अपने घर भेज दें। हम जाने वाले नहीं हैं, जब तक हमारी पूरी तसल्ली नहीं हो जाती हम वापस नहीं जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नरवाना SD कॉलेज के सामने खड़े और किसान लंबा विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना कि हमें प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है, प्रशासन ने बोला कि अब चौटाला प्रोग्राम रद्द हो गया और वो नहीं आएंगे, लेकिन किसान लगातार 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रशासन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी राय का कमेंट बॉक्स में दे दिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।